दोस्तों आपका दिमाग आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता है, कोई भी सपना सच कर सकता है। मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आज मैं आपको आपका दिमाग सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास पास्ट के बारे में सोचने की काबिलियत है ताकि हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें, और हमारे पास फ्यूचर के बारे में सोचने की काबिलियत है ताकि हम प्रॉब्लम्स को इमेजिन करके उसे पहले ही सॉल्व कर सकें। आज मैं आपको दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि क्रिएटिविटी असल में क्या होती है और आप कैसे एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हो। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। पहली स्टेप, बिलीफ। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि आप वो काम कर सकते हो तो आपका दिमाग कभी भी उस काम को करने के रास्ते नहीं ढूंढेगा, उस काम में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये बिलीव नहीं करते कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जिससे दूर रह रहे लोग आपस में बात कर सकते हो, तो वो कभी भी टेलीफोन नहीं बना पाते। अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि एक दिन आप एक कामयाब बिजनेस बनाओगे तो आपके दिमाग में कभी भी बिजनेस आइडियाज नहीं आएंगे। आपका दिमाग कभी भी बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचेगा कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, अपना लोगो आप कैसे डिजाइन करोगे। आपका दिमाग सोचेगा कि मेरे लिए बिजनेस करना ही इम्पॉसिबल है, तो ये सब छोटी मोटी बातें सोचना एक टाइम वेस्ट है, मैं क्यों सोचूं ये। जो काम आपके दिमाग को पॉसिबल लगता है वो उसके ही सॉल्यूशंस ढूंढता है। जैसे कि मैं पबजी में ज्यादा किल्स कैसे ले सकता हूँ, K98 से कैसे अच्छी स्नाइपिंग कर सकता हूँ, या फिर कैसे उस लड़की या उस लड़के को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आप अपने दिमाग से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो तो आपको जेन्युइनली बिलीव करना होगा कि आप उस काम को कर सकते हो। तो सवाल ये है कि ये बिलीव कैसे किया जाए। बहुत आसान है, इतने छोटे गोल सेट करो कि आप उस पर 100% बिलीव कर सको कि आप वो कर सकते हो। जब मैंने ये बुक चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे 20 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करना है, मेरा गोल था 100 सब्सक्राइबर्स। मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की, जब 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आई और मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हो गया कि जब 100 हो सकते हैं तो 1000 भी हो सकते हैं। मैं वीडियोस पोस्ट करता रहा, जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो बिलीफ और मजबूत हो गया कि अब 10,000 क्यों नहीं, 10,000 हो गए तो 1,00,000 क्यों नहीं, 1,00,000 हो गए तो 10,00,000 क्यों नहीं। तो मेरा फोकस हमेशा छोटी छोटी जीत पर था, और इस वजह से अपने दिमाग को यह कन्विंस करना मुश्किल नहीं था कि यह पॉसिबल है, और इसीलिए इन छोटे छोटे गोल्स का अचीव करने के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरा दिमाग बहुत फोकस्ड था। और जब आपका दिमाग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस्ड होता है तो वो सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है, और जब आपको छोटी छोटी जीत मिलती है तो उन्हें एक बड़ी जीत में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाने की सोचने के बजाय आप अपना 5 किलो वेट कम करने पर फोकस करोगे तो आसानी से कर पाओगे, और जब वो आप कर लोगे तो उसके बाद आप एक उससे बड़ा टारगेट सेट कर सकते हो और आपका दिमाग उस पर बिलीव करेगा। दूसरी स्टेप, बिना इन्फॉर्मेशन के आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इसे जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो दो। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी पर मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है उन्हें समअप किया जाए तो क्रिएटिविटी इज कनेक्टिंग डॉट्स। आपके पास अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, आप उसे मिलाकर कुछ नया बनाते हो, यह है क्रिएटिविटी। हम लोग हमारी प्रॉब्लम्स उन चीजों को मिलाकर ही सुलझाते हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी हैं, और 99% चीजें डॉट्स को कनेक्ट करके ही इन्वेंट हुई हैं। फॉर एग्जांपल, कैमरा जिन कंपोनेंट्स को असेंबल करके बना है, वो कंपोनेंट जिस मटेरियल से बने हैं वो सब इसी दुनिया का है। कैमरा इन्वेंट करने के लिए किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर कोई मटेरियल लाना पड़ा हो ऐसा नहीं है। तो आपके ब्रेन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने पहले भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हो। अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और उसमें से एक सॉल्यूशन निकाल कर आपको देता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ये बिलीव करते हो कि आप एक कामयाब बिजनेस बनाओगे तब आपको जितनी ज्यादा हो सके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को देनी चाहिए। आपको बिजनेस ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए, आपको उन लोगों की वीडियोस देखनी चाहिए जिन्होंने कामयाब बिजनेसेस बनाए हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स पढ़ने चाहिए ताकि आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे सको जिस इन्फॉर्मेशन ने पास्ट में दूसरे लोगों के लिए काम किया है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो आपको अपने ब्रेन को सोशल स्किल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आपको सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बुक्स पढ़ने चाहिए, आप कोई कोर्स भी कर सकते हो, अच्छे कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। अगर आप अपने आपको हेल्दी बनाना चाहते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को देनी चाहिए। आपके चाहे जो भी गोल्स हो, जरूरी ये है कि आप अपने गोल से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते रहो ताकि आपका दिमाग वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए जो आपके सामने अपने गोल्स को अचीव करने में आ रही है। तीसरी स्टेप, एक बार नहीं बल्कि आपको हर दिन अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के लिए फ्यूल के जैसी होती है, जैसे एक कार को चलाने के लिए डीजल जरूरी है।
आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो आपकी कार में हमेशा डीजल होना चाहिए, नहीं तो वो रुक जाएगी। इसी तरह जब आप अपने गोल्स की तरफ चलोगे तो आपको रास्ते में कई प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके ब्रेन को सॉल्व करनी होगी, और उसके लिए उसे चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन। उसे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा। इसके अलावा हमारा दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब तक आप इसे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी तो ये सोचने लगता है कि ये नई प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये ओल्ड वाली को छोड़कर इस नई को सॉल्व करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को देते हो ये उस पर ही फोकस करता है। अगर आप पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन दोगे ये पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अगर आप इसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये बिजनेस के बारे में सोचेगा, अगर आप इसे किसी गेम की टिप्स एंड ट्रिक दोगे तो ये बस वही सोचेगा, अगर आप इसे ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपके फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं तो ये बस वही सोचने लगेगा। और यही वजह है कि जब आप YouTube खोलते हो स्टडी टिप्स के लिए, लेकिन फिर आप चले जाते हो ट्रेंडिंग टैब में, उसके बाद आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर आपको पता चलता है 2 घंटे में आपने कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है। तो अपने दिमाग को आप बस उन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करके अपने बिलीफ को मजबूत करना है, उसके बाद आपको इसे सही इन्फॉर्मेशन देना है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और इसे डेली इन्फॉर्मेशन देते ही रहना है ताकि ये फोकस्ड रह सके। सेकेंड और थर्ड स्टेप इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका है बुक्स पढ़ना, क्योंकि जब आप सही बुक्स पढ़ रहे होते हो तो आप अपने ब्रेन को सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो जो आपके ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए। एंड बुक्स में कामयाब लोगों ने बताया हुआ होता है कि उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की, या किसी और कामयाब इंसान ने उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की थी। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा ये बुक ऐप, जहां पर मेरी टीम ने बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बुक्स के मेन मैसेज को समराइज कर दिया है 10 से 15 मिनट की ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में, वो भी हिंदी में। इसका फायदा यह है कि आप कहीं भी बैठे हो आपको फिजिकल बुक निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे जिम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। यह बुक ऐप से आप दुनिया भर की बेहतरीन किताबों की इन्फॉर्मेशन हिंदी में कम टाइम में अपने ब्रेन को फीड कर सकते हो। यह बुक ऐप कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है और हर महीने यहाँ पर 15 से 20 न्यू बुक समरीज ऐड होती रहती है। तो अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको यह बुक ऐप रिकमेंड करूंगा। एज ए फ्री यूजर आप यह बुक की टीम के द्वारा सिलेक्ट की गई एक बुक समरी डेली पढ़ और सुन सकते हो। अगर आप 999 रुपए देकर एक प्रीमियम यूजर बनते हो तो आप ऐप पर अवेलेबल जितनी भी समरीज हैं वो सब और अगले एक साल में जितनी भी समरीज आएंगी वो सब एक्सेस कर सकते हो और ऑडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।